बिहार की 25 खबरों के साथ मैं अनामिका। आज है 25 सितंबर, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से सड़कों पर दिन काटने को हुए मजबूर। भागलपुर में बाढ़ का पानी रेड लेवल क्रॉस करने की वजह से नाथनगर प्रखंड के रन्नूचक, भुआलपुर, गोसा, इंदासपुर, रामचंद्र, नवटोलिया, शंकरपुर, रत्तीपुर, भतोरिया, राधोपुर और माघोपुर आदि के इलाकों सहित क्षेत्र में कई जगह पर पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें बीते दिनों रन्नूचक इलाके में 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों ने बाढ़ की वजह से अपने सामानों और छोटे बच्चों सहित उठकर NH-80 के किनारे अपना डेरा डाल दिया है। डिप्टी CM सुशील मोदी, जल जीवन हरियाली योजना के तहत खर्च होंगे 24,524 करोड़। जल जीवन हरियाली अभियान योजना को संबोधित करते हुए डिप्टी CM ने कहा है कि बिहार में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगले 3 सालों में 24,524 करोड़ रुपए में 5,870 करोड़ इस वर्ष खर्च किए जाएंगे, जिसमें जल के विभिन्न स्रोतों, वर्षा जल, कुआं, तालाब आदि योजना के साथ एकल प्लास्टिक बंद योजना एवं वृक्षारोपण, प्रदूषण मुक्त बिहार इत्यादि भी शामिल है। बेहतर कार्य करने वाले 5 जिलों के DTO किए गए सम्मानित। विश्वरैया भवन में आयोजित बैठक के दौरान परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, राजस्व, परमिट, ट्रेड सर्टिफिकेट, एंट्री टैक्स, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें बेहतर कार्य करने वाले 5 जिले जमुई, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण और सुपौल के अधिकारियों को संतोष कुमार निराला और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के मौके पर पटना के खादी मॉल में दिखेंगे खादी सहित बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन। गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर स्थित मॉल का उद्घाटन 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रवेश करते ही महात्मा गांधी की आदमकद मूर्ति और उनका प्रिय निशान चरखा भी दिखेगा। बता दें कि यह मॉल पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें एक ही छत के नीचे सभी तरह के खादी कपड़े, भागलपुरी सिल्क, हैंडलूम, मधुबनी पेंटिंग के साथ मधु और किसान चाची का अचार भी नए अंदाज में मिलेगा, जिसके बाद तीसरे तल पर बिहारी जायका लिट्टी चोखा की भी तैयारी की जा रही है। पटना लॉ कॉलेज के पास गंगा तट पर बनेगा देश का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। 71 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ जमीन में बिहार की राजधानी पटना में देश का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 5 अक्टूबर को CM नीतीश कुमार द्वारा विश्व डॉल्फिन दिवस पर किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन PM मनमोहन गांधी गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बता दें कि डॉल्फिन पर देश में पहली PhD डॉक्टर गोपाल शर्मा ने की थी, जो कि फिलहाल भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बिहार प्रभारी व वरीय वैज्ञानिक हैं। SKMCH मुजफ्फरपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज सराहनीय होने पर प्रथम अवार्ड से किए गए सम्मानित। सरकार द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत के तहत इलाज व्यवस्था में SKMCH श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर में 3,984 मरीजों का निःशुल्क इलाज कराया गया है। इस योजना के तहत प्रतिदिन आने वाले गरीब मरीजों के पास गोल्डन कार्ड नहीं रहने के बावजूद तुरंत ऑनलाइन निबंधन कर इलाज किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुशांत को राज्य स्तर पर डिप्टी CM सुशील मोदी ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। VIP के अध्यक्ष ने बैठक के दौरान डबल इंजन को बताया बेकार। विकासशील इंसान पार्टी VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सुपौल के सिमरी बख्तियारपुर पंचायत अध्यक्षों की बैठक के दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि VIP पार्टी राज्य के लिए हमेशा हितकर का कार्य करती है, जिसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से उकता चुकी है, जिसे पूरी तरह से बदलना होगा। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे हैं और बिहार को नीचे के स्तर में ले आए हैं। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन NOC की सुविधा शुरू की। परिवहन विभाग के सचिव ने बताया है कि अगले माह से ट्रेड सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही NOC के लिए भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही ऑफलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र अब जारी नहीं होगा, इसके लिए पेट्रोल पंप, सर्विस सेंटर और भी अन्य जगहों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के आदेश दिए गए हैं। BPSSC की एक्साइज दरोगा की परीक्षा 14 अक्टूबर से होगी शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने एक्साइज दरोगा के लिए 126 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का आयोजन 14 से 19 अक्टूबर को पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में आयोजित की है। इसके लिए इसकी वेबसाइट एडमिट कार्ड पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। ईमेल और SMS के माध्यम से मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, जिनमें समान अंक होने पर अधिक डिग्री वाले को मान्यता दी जाएगी।
डीएमआरसी के एमडी और डायरेक्टर पहुंचकर करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट कार्य का फाइनल। पटना मेट्रो के लिए 25 सितंबर यानी आज के दिन पटना रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच मुख्य करार किया जाएगा, जिसके बाद ही पटना में मेट्रो के काम को तेजी से शुरू करने का काम होगा। फाइनल सहमति हो जाने के बाद 3 साल के अंदर डीएमआरसी को पटना की धरती पर मेट्रो को उतार दिया जाएगा। अभी तक 2 कॉरिडोर बनाने के लिए अलाइनमेंट का ड्रोन सर्वे कर पीरियड लगाने का काम शुरू हो चुका है। बिहार झारखंड के युवकों के लिए आर्मी मेडिकल कोर एएमसी में भर्ती। बिहार एवं झारखंड के लिए आर्मी मेडिकल कोर एएमसी में 27 नवंबर को सिपाही फार्मा सेंट्रल कोटी के उम्मीदवारों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थी 28 सितंबर से 11 नवंबर तक सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पूरी जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता 12वीं कक्षा, आयु सीमा 19 से 25 वर्ष, इसके अलावा बी फार्मा 50% और डी फार्मा 33% अंक के साथ पास होनी चाहिए। सिपाही फार्मा पद के लिए युवकों को शारीरिक दक्षता व मेडिकल जांच भी की जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा विषय पैटर्न में किए गए बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें यूपीएससी की तरह ही 5 ऐच्छिक विषयों के सिलेबस पर पूरी तरह से अपडेट कर इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग में जल्द ही भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मिलने के बाद 66वीं परीक्षा इसी पैटर्न पर की जाएगी। इसके विषय आयोग के पदाधिकारी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार ही पूरी परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा। बिहार कांग्रेस कमेटी ने बुलाई बैठक, लिए गए आवश्यक निर्णय। कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस सदस्यता अभियान सहित संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 2 अक्टूबर की 150वीं जयंती और कांग्रेस संगठन की मजबूती जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मदन मोहन झा ने किया, जिसमें बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर मुख्य रूप से उपस्थित थे। 26 और 27 सितंबर को होने वाली बैंक यूनियन की हड़ताल टली। बैंकों के विलय को लेकर किए गए बैंक कर्मियों की यूनियन हड़ताल टल गई है, जिसके बारे में यूनियन लीडर्स वित्त सचिव राजीव कुमार के बीच हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन किया है, जिसके बाद 26 और 27 सितंबर को बैंकों की होने वाली हड़ताल को टाल दिया गया है। किराएदार रखने पर अब पहले से ज्यादा देना होगा टैक्स। वर्तमान में टैक्स के नियम प्रधान मुख्य रूप से सड़क पर छत वाले घरों का 18 रुपए, मुख्य सड़क पर 12 रुपए एवं अन्य सड़क पर 6 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से होल्डिंग टैक्स का प्रावधान है, जिसके बाद यह व्यावसायिक हो जाने पर 3 गुना अधिक यानी 18 की जगह 54 रुपए, 12 की जगह 36 रुपए और 6 की जगह 18 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसके लिए निगम बोर्ड और नगर विकास की मंजूरी होने के बाद नई दर लागू हो जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि पटना की आबादी और क्षमता को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। 19 दलों की टीम के साथ औरंगाबाद बिहार की बेटी ने साउथ अफ्रीका पहुंच तिरंगा फहराया। बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के तेलडीहा गांव निवासी अभय सिंह की बेटी सौम्या सिंह ने साउथ अफ्रीका के तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो पर देश का तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से 19,341 फुट ऊपर है, जो कि विश्व की दुर्गम चोटियों में से एक है, जिस पर पारा -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पहुंचने के बावजूद भी सौम्या के साथ ही दलों ने उपलब्धि हासिल की है। अन्य की खास फसल ग्रेन उपजाने में राज्य सरकार करेगी मदद। भाजपा नेता और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान बिहार जैसे राज्यों के लिए बायोफोर्टिफाइड अन्न ग्रेन को वरदान कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस अन्न के उत्पादन के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। बिहार में प्याज का भाव 70 रुपए तक, अक्टूबर महीने तक आ सकती है मूल्य में कमी। बिहार में बाढ़ और ओवरलोडिंग निर्यात मना होने की वजह से बिहार के बाहरी राज्यों से प्याज का उत्पादन और निर्यातन में कमी आई है, जिसकी वजह से प्याज के भाव में केवल पटना में 70 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। घरेलू उत्पादन कम होने की वजह से प्याज के भाव में अक्टूबर महीने तक नए प्याज आने के बाद मूल्यों में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि केवल पटना में प्रतिदिन 20,000 किलो प्याज की खपत है, लेकिन मार्केट में केवल 8 से 10 हजार किलो ही पहुँच रहा है, जिसके कारण मूल्यों में है वृद्धि। प्रकाश पर्व को लेकर पटना फिरोजपुर और दरभंगा के बीच चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे ने सुल्तानपुर लोधी में प्रकाश पर्व के दौरान यात्रियों को परेशानी से रहित रखने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है, जिसमें 04652/04651 फिरोजपुर पटना फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन संख्या 04652 फिरोजपुर पटना स्पेशल 5, 9 एवं 14 नवंबर को फिरोजपुर से दिन के 12:40 पर खुलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 04651
पटना फिरोजपुर स्पेशल 6, 10 एवं 16 नवंबर को पटना से रात 10:45 पर खुलेगी। 04650/04649 फिरोजपुर दरभंगा फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन संख्या 04650 फिरोजपुर दरभंगा स्पेशल 6 व 13 नवंबर को फिरोजपुर से दिन के 12:40 पर खुलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 04649 दरभंगा फिरोजपुर स्पेशल 8 व 15 नवंबर को दरभंगा से अगले सुबह 4:30 पर खुलेगी। बिहार के छपरा की बेटी सविता महतो 7120 मीटर ऊंचे त्रिशूल पर्वत पर पहुंची। छपरा जिले के सारण की सविता महतो ने 7120 मीटर के त्रिशूल पर्वत पर 24 दिनों में पर्वत की चोटी तक पहुंच चुकी है। बता दें कि जिले की पानापुर के रहने वाली सविता इंडियन माउंटेड फाउंडेशन की ओर से चयनित 53 सदस्यों की टीम में शामिल थी, जिसमें 29 अगस्त को इनकी टीम ने चढ़ाई शुरू की थी। पटना के एनआईटी और दीघा घाट में गंगा नदी का पानी रेड लेवल से ऊपर, जिसे लेकर प्रशासन ने इन दोनों घाटों पर जाने से रोक लगा दी है। बता दें कि डीएम कुमार रवि ने अपनी टीम के साथ इन घाटों का निरीक्षण भी किया, जो कि रेड लेवल से करीब 1.8 मीटर ऊपर बढ़ रही थी, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी के जल स्तर को देखते हुए इसके एंट्री गेट को बंद रखने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा के लिए जदयू ने बेलहर के प्रत्याशी का नाम तय किया। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने को है, जिसके लिए जदयू ने बेलहर विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं, जिसमें बांका के सांसद गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव 20 से जदयू के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि 4 सीटों पर जदयू अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि भाजपा में पिछली बार किशनगंज विधानसभा सीट से भाजपा ने स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया था। अब इस बार भी उन्हें ही पार्टी की तरफ से खड़ा किए जाने की बात की जा रही है। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई इंटर व मैट्रिक के फॉर्म भरने की तारीख। बिहार बोर्ड ने इंटर व मैट्रिक के 2020 के विद्यार्थियों के लिए, जिनका रजिस्ट्रेशन 28 से 30 जुलाई के बीच हो चुका है, उन्हें दोबारा मौका दिया है। वे सभी छात्र 24 से 26 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ अपनी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं, जो कि इंटर के लिए वेबसाइट www.bseb.interedu.in पर और मैट्रिक के लिए www.biharboard.online पर जाकर अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। बता दें कि डमी एडमिट कार्ड में सुधार 29 सितंबर तक किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन सुधार के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मैट्रिक के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612223274 2222527 2222239 पर एवं इंटरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612223039 और 2235616 पर संपर्क कर समस्या का समाधान ले सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने अपनी विजेता ट्रॉफी को अपनी बेटी को किया डेडिकेट। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जिसे उन्होंने अपनी बेटी को डेडिकेट करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अपनी विजेता ट्रॉफी को अपनी बेटी को सौंपते हुए लिखा है कि भोजपुरी को चाहने वाले लोगों को दिल से धन्यवाद। T20 के खेल में दोगुना होगा मजा, होंगे 2 सुपर ओवर। मंगलवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि नए नियमों के अनुसार पुरुष और महिला T20 लीग के फाइनल में यदि 2 टीमों का स्कोर निर्धारित ओवर और फिर सुपर ओवर के बाद भी टाई रहता है, तो तब तक सुपर ओवर का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि कोई टीम साफ तौर पर विजेता नहीं बन जाती। सभी तरह के फाइनल मैचों पर यह नियम लागू होंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।